प्रतीक्षा रवि को जेल से छुड़वा कर घर वापस लेकर आती है। साथ ही रवि के डैड काव्या की बेल करवाती है। जब मनदीप की बहन ज्योति रवि रंधावा की बीवी प्रतीक्षा से मिलने सामने आती है, मनदीप और काव्या दोनों उनके आने से पहले ही प्रतीक्षा को वार्न करते हैं कि काव्या ही रवि की लीगल वाइफ है और उनके सामने उसे नहीं आना है। प्रतीक्षा हर बार सबके सामने साबित करने की कोशिश करती रहती है कि वो ही रवि की लीगल वाइफ है। अमरदीप यानी कि रवि के डैड मनदीप और काव्या को प्रतीक्षा के खिलाफ कुछ भी करने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर काव्या रवि की मॉम मनदीप को प्रतीक्षा के खिलाफ जाने के लिए उकसाती है। रवि उसकी वाइफ प्रतीक्षा की हेल्प करते दिखाई जाते हैं। उसी वक्त उन दोनों में रोमांटिक मोमेंट आ जाता है जो रवि को महसूस करवाता है कि वो प्रतीक्षा के करीब आने लगा है। प्रतीक्षा और रवि दोनों उनकी फीलिंग्स रोकने की कोशिश करते। काव्या जब वापस जेल से छूटकर रवि के पास आती है, प्रतीक्षा के सामने रवि की लीगल वाइफ होने का दिखावा कर प्रतीक्षा को रोकने की कोशिश करती है, पर प्रतीक्षा भी काव्या और रवि की मां मनदीप के सामने हार ना मानकर ज्योति यानी कि मनदीप की बहन के सामने आती है। पहले तो मनदीप रवि की धर्मपत्नी के रूप में प्रतीक्षा की पहचान नहीं करवाती, पर प्रतीक्षा भी मनदीप का प्लान फेल कर रवि की वाइफ के रूप में सामने आकर मनदीप की बहन को इम्प्रेस करने का प्लान करती है। देखना तो ये होगा कि क्या मनदीप और रवि प्रतीक्षा को एक्सेप्ट करेंगे, क्या होगा आगे, क्या रवि रंधावा रियलाइज कर पाएगा कि वो प्रतीक्षा से प्यार करने लगा है, क्या प्रतीक्षा रवि से डाइवोर्स लेगी या फिर रवि के साथ ही रहेगी। जानिए सीरियल में सिर्फ कलर्स टीवी पर।